हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर एट अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है दैट इज लेक्चर नंबर सेवन तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं सोच चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर विद द पेटीएम टू ऑफर कस्टमाइजेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे ये यह पार्टनरशिप की थी और इन्होंने यहाँ पे बोला था कि हमने थर्टी एट अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किए हैं जिसके थ्रू कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलिसीज बाय कर सकते हैं ठीक है एंड कस्टमर्स जो है वो पेटीएम के ऐप के थ्रू भी पॉलिसीज यहाँ पे, uh, पे बाय कर सकते थे ठीक है अब जो यहाँ पे उन्होंने जो है पॉलिसी लॉन्च की थी इसके तीन प्लान बेसिकली लॉन्च किए गए थे जिनका नाम आपको पूछा जा सकता है पहली है आपकी प्लस दूसरी थी पावर एंड थर्ड वॉज प्राइम ठीक है ये तीनों इस प्लान के नाम थे अब यहाँ पे बात करते हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को जो है स्टैब्लिश किया गया था 2000 में करंट सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है राकेश जैन अब तो याद हो गया होगा आपको बहुत बार ये रिपीट भी हो चुका है ठीक है एंड यहाँ पे हेडक्वार्टर क्या है इसका मुंबई में ये लोकेटेड है आपका मुंबई में ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द इन्वेस्टमेंट ऑफ डैश कैपिटल इंश्योरेंस इन दी आदित्य बिरला आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस बाय द आबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अंडर ग्रीन चैनल रूट तो यहाँ पे जो आबुधाबी इन्वेस्टमेंट है ठीक है आबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी सिक्स करोड़ की और इन्होंने यहाँ पे बाई किए थे नाइन परसेंट स्टेक इन दी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है और इन्हें आई के थ्रू भी अप्रूवल मिल गया था यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एक चीज जो नोट करने वाली है दैट इज कि अगर यहाँ पे इन्होंने इतने परसेंट स्टेक 9.99 परसेंट स्टेक बाय किए हैं तो बाकी कौन सी कंपनीज है जिसके शेयर होल्डिंग यहाँ पे है ठीक है तो पहले इनिशियली यहाँ पे जो आदित्य बिरला ग्रुप और जो आपकी एम होल्डिंग्स थी इनका यहाँ पे जॉइंट वेंचर हुआ करता था जिसमें इनिशियली 51 परसेंट इसकी होल्डिंग थी शेयर होल्डिंग एंड यहाँ शेयर होल्डिंग हुआ करती थी बट अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किसने की है इन्वे, इन्वे, अथॉरिटी ने दैट इज तो अब यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है और इसकी शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो अभी एट प्रेजेंट आदित्य बिरला ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है ये आपकी है फोर्टी की वेर एस एम जो होल्डिंग्स हैं इनकी शेयर होल्डिंग यहाँ पे अभी रह गई है फोर्टी जीरो की एंड थर्ड आपकी कौन सी होगी आबुधाबी ठीक है इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इसकी आपके शेयर होल्डिंग नाइन पॉइंट की तो ये टोटल आपके यहाँ पे शेयर होल्डर हो गए ठीक है तीन शेयर होल्डिंग अभी है एट प्रेजेंट आदित्य हेल्थ इंश्योरेंस में अब बात करते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो है स्टैब्लिश कब किया गया था इन <coughs> 2015 थाउजेंड यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की गई थी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है एंड और इसके सीओ कौन है एट प्रेजेंट इनका नाम क्या है मयंक बथवाल ठीक है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द अमाउंट रिसीव बाय द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ ही एग्जिट्स द पॉलिसी बिफोर मेच्योरिटी इज नोन एज डैश तो यहां पे क्या पूछा गया है अगर आप पॉलिसी को मेचोरिटी से पहले विड्रॉ कर लेते हो या उसे तोड़ देते हो तो उस केस उस में जो आपको अमाउंट मिलता है उसे इंश्योरेंस की टर्म में क्या कहते हैं ठीक है ठीके? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसे हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू जो उस पर्सन को मिलेगी या पॉलिसी होल्डर को दी जाएगी ठीक है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है विच ऑफ दीज इज अ इंश्योरेंस डिपोजिटरी ऑपरेशनल इन इंडिया ठीक है तो पहले तो मुझे ये बताओ कि एट प्रेजेंट इंश्योरेंस रिपोजिटरी कितनी है इंडिया में जो अभी एट प्रेजेंट काम कर रही है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा दैट इज टोटल यहाँ पे चार आपकी इंश्योरेंस रिपोजिटरी है जो एट प्रेजेंट वर्क कर रही है इंडिया में ठीक है अब यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में वापस आते हैं इनमें से कौन सी पूछी, आ, पूछा क्या गया है इन से कौन सी इंश्योरेंस डिपोजिटरी जो है वो एट प्रेजेंट ऑपरेशनल है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सारे ही यहाँ पे ऑपरेशनल है ठीक है पहले आपकी होगी एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड दूसरी है सी ए एम एस डिपोजिटरी सर्विज लिमिटेड तीसरी है कार्वी इंश्योरेंस डिपोजिटरी लिमिटेड एंड चौथी आपकी है सी डी एस एल ठीक है दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ठीक है ये आपकी चौथी जो है इंश्योरेंस डिपोजिटरी है जो एट प्रेजेंट वर्क कर रही है इंडिया में ठीक है अब यहां पे देखो पहले एक और आपकी जो है कंपनी हुआ करती थी जो आपकी इंश्योरेंस डिपोजिट्री थी जिसका नाम क्या है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है इसका नाम क्या है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है जिसे आप एस एच सी आई एल के नाम से भी जानते हो अब यहाँ पे 2015 में जो है इस कंपनी ने अपना लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर दिया था इस वजह से यह अभी वर्किंग नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है इनमें से कौन सी ऐसी आपकी जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी है जिसने 2015 में अपना लाइसेंस जो है सरेंडर कर दिया था तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सेप्टेंबर 2022। ट्वेंटी करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी दट इज थॉमस एम देवसिया को जो है मेंबर अपॉइंट किया गया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इन मंथ ऑफ सेप्टेंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ दी इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च और न्यू एज अक्षय प्लान फॉर सेविंग ओरिएटेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विदेश बोनस बेनिफिट सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस ने इसे जो है लॉन्च किया था इस प्रोडक्ट को जिसमें यहाँ पे मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपको पूछी जा सकती है मिनिमम एज यहाँ पे थी ठीक है मिनिमम एज वॉज थर्टी डेज एंड मैक्सिम एज की बात करें तो ये थी आपकी फिफ्टी फाइव ईयर्स की ठीक है और ये जो आपका प्लान था ये नॉन लिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान था अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस के स्टैब्लिशमेंट ईयर की तो स्टैब्लिश किया गया था इसे 2000 में ठीक है सीईओ कौन है अभी इनका नाम क्या है कमलेश राव ठीक है क्या नाम है इनका कमलेश राव एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो ये आपका लोकेटेड है मुंबई में ठीक है मुंबई महाराष्ट्र में अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ये कौन कौन सी कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है तो ये आदित्य बिरला ग्रुप का ठीक है जिसमें फिफ्टी होल्डिंग है 51% की ठीक है नेक्स्ट आपका है सनलाइफ फाइनेंशियल सनलाइफ फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेटेड का ये ज्वाइंट वेंचर है जिसमें 49% परसेंट का इनका यहां पे शेयर है ठीक है अब रिसेंटली यहां पे आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस ने एक प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था यहां पे मैं प्लान का नाम लिख रही हूं अनमोल सुरक्षा कवच ठीक है ये शॉर्ट टर्म प्लान था जिसमें अगर हम बात करें टेन्योर की तो यहाँ पे टेन्योर कितना था मैक्सिमम ऑफ फाइव ईयर एंड मिनिमम जो था ये था आपका टेन्योर इसका टू ईयर का ठीक है अगर एज की बात की जाए तो मैक्सिमम एज यहाँ पे फिफ्टी फाइव थी और मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज थी आपकी ट्वेंटी फाइव ईयर तो ये चीज याद रखनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर एन कस्टमर टू लॉन्च एन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेन सो इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कंप्लेन की जाती है इंश्योरेंस ओमब्स मन में सी नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वट इज द फिटिलिटी इंश्योरेंस सो फिटिलिटी इंश्योरेंस को एस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे मेरी कंपनी है ए ठीक है मेरी कंपनी में मैंने बहुत सारे जो है एम्प्लॉय रखे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अब इन ये जो इंप्लॉयज हैं मेरे ये मेरे साथ डिसऑनेस्टी कर सकते हैं धोखा कर सकते हैं और इनकी वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है तो इस नुकसान से बचने के लिए मैं क्या करती हूं इंश्योरेंस करवा लेती हूं ठीक है तो इस टाइप के इंश्योरेंस को क्या बोला जाता है फेडिलिटी इंश्योरेंस तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंश्योरेंस टेकन आउट बाई द इंप्लॉयर अगेंस्ट लॉसेज इन इनक्योर थ्रू द डिसऑनेस्टी बाय द इंप्लॉयज ठीक है तो आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी म दी फर्ट इन लाइफ इंश्योरेंस जो है पहली ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉरन शेयर होल्डिंग देखी गई है दैट इज सेवेंटी फोर परसेंट ठीक है अब ये जो है ज्वाइंट वेंचर है आपका एजीस का और फेडरल फेडरल बैंक का ये नहीं है फेडरल बैंक का और एजीज़ का ये आपका जॉइंट वेंचर है जिसमें सेवेंटी फोर परसेंट शेयर होल्डिंग किसकी है अकेले एजीज़ की ठीक है आई डी बी आई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ठीक है अब आप सोच रहे होंगे आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस क्यों था क्योंकि यहां पे आईडीबीआई बैंक की भी शेयर होल्डिंग हुआ करती थी ठीक है आईडीबीआई बैंक फेडरल बैंक देन एजीस इन तीनों का ये जॉइंट वेंचर हुआ करता था पहले बट 2022 में जो आईडीबीआई के शेयर थे वो आपके एजीज ने एक्वायर कर लिए थे और आईडीबीआई डी से एग्जिट आईडीबीआई ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था ठीक है तो अभी ये जॉइंट वेंचर किसका बच गया आपका एजीस का और फेडरल फेडरल बैंक का अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करते हैं हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका मुंबई में ठीक है और सीईओ बात करें तो सीईओ कौन है विग्नेश शाह इनका नाम है ठीक है सीईओ कौन है विग्नेश शाह

टेन ईयर्स तक के जो डॉग हैं उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे ठीक है अब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है फ्यूचर जर्नली इंश्योरेंस का तो आपका आंसर पे हो जाएगा 2000 में जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है अगेन मुंबई में मैक्सिमम आप देख ही रहोगे सबका हेडक्वार्टर ज्यादातर जो है हेडक्वार्टर आपके इंश्योरेंस कंपनी के कहा है मुंबई में लोकेटेड है ठीक है अब सीओ की बात करें तो एट प्रेजेंट इनका सी कौन है अनुप रॉ क्या नाम है इनका अनु राव ठीक है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क रिटेन बाय द इंश्योरर पर लाइफ इज कॉल्ड एज डैश सो so, इस टर्म को हम बोलते हैं रिटेंशन ठीक है क्या बोला जाता है इसे रिटेंशन तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट इज वॉट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अमाउंट अंडर द डिस्प्यूट दैट कैन बी एंटरटेन बाय द इंश्योरेंस ओमव स्मोन तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका है ऑप्शन नंबर डी दैट इज थर्टी लैख अब ये अमाउंट जो है वो पहले ट्वेंटी लाख आपकी हुआ करती थी बट अभी इसे इंक्रीज करके थर्टी लाख कर दिया गया है ठीक है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेतना को बीमा स्कीम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस इंश्योरेंस कवरेज को जो है लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विद आई सी ठीक है अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है दैट इज कवरेज था ये फाइव लाख का कवरेज था और यहां पे कहा गया था जो वीवर है अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या नेचुरल डेथ हो जाती है इन दैट केस ये अमाउंट उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च प्ले फॉर आर हीरोप्शन लाइफ इंश्योरेंस ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था एक तो इसका ये मोटिव था कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ बताना ठीक है साथ ही यहां पर इन्होंने एक गेम भी लॉन्च किया था अपनी वेबसाइट में जिसका नाम क्या था द गेम द गेम ऑफ लाइफ ठीक है अब इन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या रखी थी अगर इस गेम में आप 10 स्कोर पॉइंट कर लेते हो तो ये कंपनी जो है डोनेशंस देगी आर्म फोर्सेस को ठीक है तो ये इसका मेन मोटिव था ठीक है अब यहाँ पे बात करते हैं एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की तो ये एगॉन लाइफ इंश्योरेंस को स्टैब्लिश किया गया था आपका टू में ठीक है टू में अब यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई में ठीक है एंड सीईओ कौन है एमडी एंड सीईओ इसके एट प्रेजेंट है इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्णन क्या नाम है सतीश्वर बाला कृष्ण ठीक so, है सो ये चीजें आपको याद रखनी है सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो बेंचमार्क स्टडी जीरो पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं सो so, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर हैव नाइ डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यिपरेशन